बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एलिमेंट के साथ मैं हूँ फ़ाइज़ा तनसीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गोभी चिकन का सालन। उसके लिए हमने गोभी का फूल ले लिया है, एक बड़े साइज़ का, तकरीबन 1.5 किलो गोभी है ये। इसको हमने काट लिया है। चिकन ले लेंगे 1 किलो, प्याज ले लेंगे 2 अदद, टमाटर ले लेंगे 2 अदद, पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक ले लेंगे हसबे ज़ायका, हल्दी ले लेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ले लेंगे गार्निश के लिए, हरी मिर्च ले लेंगे 4 से 5 अदद। सबसे पहले हम गोभी के लिए आपको टिप देंगे एक, ये बहुत ही ज़रूरी है। बरसात के मौसम में सब्ज़ियों में कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है। सबसे पहले हमने एक देसकी में पानी बॉयल कर लेना है, उसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल भी पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें डिप करना है और फिर इसे स्टेन कर लेना है। इसको थोड़ा सा भी नहीं हमने गलाना। इस तरह से करने से इसके अंदर अगर जो कीड़ा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। स्टेन कर लेंगे और अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा। इस तरह से इसकी भाप निकाल देंगे। हाफ कप ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, कटी हुई प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर चॉप करके डाल देंगे, ये मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे और नमक शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाले को हमने अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को मसाले के साथ मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक के रख देंगे, चिकन को गलने देंगे। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें चिकन को हमने अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे। गोभी को हमने सिर्फ पानी में डिप किया था और निकाल लिया था हल्दी वाले पानी में, इसको बिल्कुल भी हमने पकाया नहीं था, तो ये बिल्कुल कच्ची है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये बिल्कुल कच्ची है, हमने इसको गलाया नहीं था। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम गोभी को गलने के लिए रख देंगे। गोभी जल्दी पक जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें, गोभी गल चुकी है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखें गोभी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर देंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला डाला है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए सालन हमारा डन हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे।
ये देखें तैयार है बहुत ही मज़ेदार गोभी गोश्त का सालन। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।